तो दोस्तों आपके पास भी फ्लिपकार्ट का OTP नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है एंड इस प्रॉब्लम को हम कैसे सही करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों फ्लिपकार्ट का OTP नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहला ट्रिक ये अप्लाई करना है आपको कि आपको यहाँ पर रिसेंट कोड पर क्लिक करना है, देन उसके बाद आपके नंबर पर OTP चला जाएगा। लेकिन दोस्तों आप रिसेंट कोड पर क्लिक करके आप थक चुके हैं लेकिन फिर भी आपके नंबर पर OTP नहीं आ रहा है, तो अब आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है कि अब आपको यहां से बैक करना है। दोस्तों मैं आपको 2-3 ट्रिक बताऊंगा और दोनों ट्रिक को आपको अच्छी तरीके से फॉलो कर लेना है, फिर आपको 110% ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर आपको मैसेज एप्लीकेशन को फाइंड कर लेना है। यहां पर मेरे पास यहां पर मैसेज एप्लीकेशन है, तो अब यहां पर हमें मैसेज एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के लिए हमें मैसेज वाले एप्लीकेशन पर इस तरीके से टैप करके रखना होगा एंड उसके बाद यहाँ पर हमें ऐप इन्फो पर क्लिक करना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन आएगा नोटिफिकेशन का। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, देन उसके बाद यहाँ पर हमें देख लेना है कि शो नोटिफिकेशन इनेबल है कि नहीं। अगर दोस्तों आपके पास ये ऑप्शन इनेबल नहीं है तो सबसे पहले आपको इसे इनेबल करना है एंड उसके बाद दोस्तों अब आपको यहां से बैक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों अब आपको दूसरा सेटिंग क्या करना है, आपको फिर से फ्लिपकार्ट को ओपन करना है, देन उसके बाद दोस्तों अब आपको फिर से रिसेंट कोड पर क्लिक करना है, देन उसके बाद दोस्तों फिर से आपको यहां पर कुछ सेकंड के लिए यहां पर वेट करना होगा, देन उसके बाद आपके नंबर पर OTP चला जाएगा। लेकिन रिसेंट कोड पर क्लिक करने के बाद भी आपके नंबर पर OTP नहीं जा रहा है, तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो आप नंबर इंटर किए हैं उस नंबर को अच्छी तरीके से देख लेना है कि यहाँ पर जो आप नंबर इंटर किए वो नंबर आप ही का है या किसी और पर्सन का है, और आपका नंबर सही है लेकिन फिर भी आपके नंबर पर OTP नहीं जाता है, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपके नंबर पर रिचार्ज नहीं होगा इसीलिए आपके नंबर पर OTP नहीं जा रहा है। तो फिर आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है, देन उसके बाद दोस्तों अब आपको इस नंबर को फिर से कट करना है एंड उसके बाद दोस्तों फिर से आपको नंबर को टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं अपना फोन नंबर को टाइप करता हूँ, तो अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर फिर से क्लिक करना है एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15 सेकंड तक वेट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे नंबर पर यहाँ पर OTP आ चुका है, तो यहाँ पर मैं अपना OTP को डाल देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर हमें वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा OTP यहाँ पर फाइनली आ चुका है और मेरा फ्लिपकार्ट भी लॉगिन हो चुका है। तो जो ट्रिक मैं आपको बताया हूँ उस सभी ट्रिक को आपको अच्छी तरीके से फॉलो कर लेना है, फिर आपके नंबर पर भी OTP आ जाएगा। आपने अभी तक RA ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ, जब तक के लिए बाय।